अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। कराची का मौसम जैसा कि आप सबके इल्म में काफ़ी दिनों से बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। आज आसमान जो है वो थोड़ा सा साफ हुआ है और बारिश के इम्कान फ़िलहाल तो नहीं दिख रहे हैं। और हमारे प्यारे मेहमान भी आए हुए सवाब से, तो ये आते के साथ ही मैंने इनको लगाया हुआ काम से। अब मेरे सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं ये। हाँ क्या भाऊ, आते के साथ ही डराने शुरू। खत शत बनाया सर, आपको मौसम सही लग रहा है? मौसम सही है। और हमारे सर जो है ना बच्चों को बड़ा पसंद करते हैं, इसलिए बच्चे यहाँ पर ट्यूशन पढ़ने के लिए बैठे हैं। हाँ क्या प्रोग्राम है, इनका भी मुंह बना हुआ है, मैं बाहर ही बाहर हूँ ना। ये देखो इसके नाक पर मक्खी बैठी थी, अभी हमने उड़ा दी है। हसान की भी तबीयत देखो सही हो गई है। पहले हमने दिखाया था ना कि इसको चिकन गुनिया हो गया था। बॉक्स पे लेके जाएंगे आपको अगली जून जुलाई। हाँ भाई हमारा प्रोग्राम है वो क्या कहते हैं इसको, दुमची। दुमची तो बारबेक्यू का प्रोग्राम है। हॉक्सवे पे जाके ना हम वहाँ पर, मैंने इनसे कहा कि कल जो है ना हॉक्सवे पे जाके बारबेक्यू करेंगे। बोला बारिश हो गई तो फिर क्या करेंगे, सारे कोयले बुझ जाएंगे। हैं बिलाल सर, चाची ने सवाद में मुझसे वादा किया था, ये इसमें स्टार्टिंग में आता था ना एक, बिल्कुल तो नहीं ब्लैक स्क्रीन आती है ये नहीं हट सकती। अच्छा अच्छा, चले भाई अभी हमें जाना है अपने कजन के पास, तो थोड़ी देर में हम जाएंगे। हाँ फिर जा रहा हूँ मैं, बात जाता ही रहूँगा बस। अभी मिलेंगे आप लोगों से, हम आप लोगों से मिलेंगे। ऐसे जो हम सब्सक्राइबर करते हैं ना, मिलते हैं आपसे बाद से, मिलते हैं हम आपसे बाद में। फिर आज के घूमने का टाइम हो गया। और ये देखो ये क्या कर रहे हो, गेम खेल रहे हो? वो मेरी बाइक लेके गए, बोला मैं अपने सारे कराची के दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, तो मैंने कहा मैं साथ चलता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप बोर हो जाओगे, इसलिए चाचू घर पे आ गए, मैं घर पे आ गया। अभी मैं सिराज को लेके जा रहा हूँ बाहर। ओके। हम लोग आ गए हैं बाहर, हमारी गली में सफाइयाँ हो रही हैं और बाहर इतनी ज़बरदस्त हवा चल रही है, सिराज परेशान हो गए। ये देखो ये कौन है, ये इसकी ना नाक के ऊपर मच्छर ने काट लिया भाई, नाक टूट गई इसकी। बापू इसको थोड़ा हवा शवा खिलाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। हम लोग अपने गेस्ट को लेके जा रहे हैं आउटसाइड, और ये हमारे नुमान भाई ये ड्राइव कर रहे हैं। अब पता नहीं हमें कहाँ जा रहे हैं। फैजान भाई क्या हाल है फैजान भाई? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ। और ये हमारे सलमान भाई हैं, किधर जा रहे हैं भाई? देखते हैं अभी निकले। सनसेट सनसेट तो हमारा सारा निकल गया है। हाँ देखते हैं भाई, बारिशों की वजह से जो है ना हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा डिले हो गया, हमारी वजह से डिले हो गया। ये हमारे बिलाल साहब को कुछ चीज़ें लेनी थी, लैपटॉप्स वगैरह, तो उस सिलसिले में हम गए हुए थे। और इस वक्त जो है वो आप आगे से रोड दिखाएं, दरियाए सवाद से गुजर रहे हैं। हाँ, मैं सवाद आ गया दोबारा। रोड में काफी ज्यादा पानी है, ये देख ले पानी क्या है, रोड ही नहीं है। ये तो भी कम हुआ होगा, एक घंटा हाँ बहुत ज्यादा पानी है। तो भाई पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, फिर मजीद वीडियोस बनाते हैं। हमारा डिनर का प्रोग्राम बना था, लेकिन हम यहाँ पर रुके हैं सी वी यू पे, गाड़ियाँ खड़ी किए, और दोस्त हमारे जो है ना हवा खा रहे हैं, और बारिशों की वजह से जो है रश वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, सन्नाटा हुआ हुआ है पूरा। ये हमारे फैजान भाई, अब आप थम्स अप करेंगे ना फिर दिखेगा। तो मोदी का चेहरा बड़ा हो गया। हाँ हेल्दी हो गया ना अभी से, वो आलू खत्म हो गया, केजीएफ का विजन वाला आलू खत्म हो गया। हाँ अभी खत्म, सब खत्म, ऐसा ऐसा खत्म होते जा रहा है। हमारे घर के बच्चों को मैंने कहा था कि हम लोग जल्दी आ जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ हमारे बिलाल भाई को जो है ना कराची की मुख्तलिफ जगहों पे विजिट करा रहे हैं, और ये हमारे फैजान साहब भी वीडियो बनाने में लगे हैं। हम लोग जा रहे हैं मॉल में, मॉल के अंदर थोड़ा आगे पीछे घूमेंगे। इस व्लॉग में मेहरमा से मुखातिब हूँ, मेहरमा की पसंद की जगह सामने से। इन बात मेहरमा लोग आते ना अभी सीधा यहाँ पर भागते, बोला आप लोगों को जो करना है वो करो। हाँ भाई मैंने कहा मेहरमा लोग आते ना, मेहरमा लोग सीधा कहते हैं अभी हम यहाँ जा रहे हैं। नहीं नहीं अभी तो हम ऐसे दोस्तों के साथ आए हुए थे ना, इस वजह से नहीं आए। हमारे बिलाल भाई जो है ना यहाँ पर खूब वीडियोस बनवा रहे हैं, और ये फैजान साहब भी लगे हैं, और
रश तो बहुत ज़्यादा, बाहर बारिश हो रही है और यहाँ पर लोग इंजॉय कर रहे हैं। ये देखें भाई गुल खान, ये रिवायती चीज़ें, खुश आमदीद, वेलकम ट्रक, फैशन की दीवानी, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त आर्टिकल रखे हुए इन्होंने, मैं अपनी फेवरेट हूँ। हाँ भाई चलें, चलते हैं बस, खाना वाना खाते हैं। चलते हैं वो अभी सऊदी अरब चलते हैं, सऊदी अरब, हाँ सऊदी अरब जाते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अब खाना खाते वक्त। भूख तो लगी नहीं है ना इनको, कौन ये लोग वहाँ कैम्ब्रिज में गए, चले अंदर। हमारे बिलाल भाई को जो है ना हम मॉल शॉल घुमा के ले आए और सारे दोस्त माशाल्लाह से यहाँ बैठे हैं, नुमान भाई की तरफ से दावत है, तो खाना हमारा आ गया है। खाने में कढ़ाई सड़ाई है, बोटियाँ हैं, रोगनी नान है, तंदूरी पराठा है, तो खाते हैं फटाफट से खाना, वाइट कढ़ाई भी है, तो खाते हैं फटाफट से खाना, फिर उसके बाद जाएंगे हम घर। भाई फाइनली हम लोग खाना वाना खा के घूम फिर के घर पहुँच गए, बहुत ज़्यादा थक गए। ये देखें हमारा मेहमान जो है ना वो आराम फरमा रहा। भाई मज़ा आया आपको आज? ये बच्चे भी मिस कर रहे थे, ये जैसे ही इनको पता चला आ गए। लीसा भी आ गई है, मैंने सिंदबाद की भी वीडियो बनाई है, मैंने कहा ये वीडियो मेरा, हाँ हाँ ना सिंदबाद भी गए थे आप लोग, सिंदबाद के घर में खाना भी खाया, अकेले अकेले थोड़ी थे, पांच बंदे थे। हाँ जाओ हाथ मिला लो, जल्दी से ताली मार दो, जल्दी से इधर आ जाओ, ताली मार दो, फिर आपको बाहर नहीं लेके जाऊंगा मैं, नहीं इधर तो आओ, बोलो लाइक कर दो, लाइक कर दो, हाँ बोलो सब्सक्राइब भी कर दो, सब्सक्राइब ना चाहिए। आप लोग क्या बैठ के वहाँ देख रहे हैं? फातिमा और मैं तो, मेरे मामा जी बाजी ने बोला है आपको जितने हो सकते हैं आप ना डेली के हमको जब तक 12 बजे लेवल नहीं आती मैसेज करके बता दें। चाचू आपकी तस्वीर लीसा को नहीं देना। ये तस्वीर आ गई, कितने पढ़े हैं आपने? 1484। आपने कितने पढ़े? 1600। फातिमा की तस्वीर तेज जा रही है भाई, ये क्या नाक में से चूहे निकाल लियो, खा भी रही हो साथ, ये देखो आ रही, इसका भाई सौदा हो गया है। हमने 2500 की ली थी और बिलाल सर जो है ना उन्होंने बोला 2600 में दे दूंगा, ले रहा हूँ, ले रहा हूँ 2650 का डन। हाँ हाँ इसको हमने भेज दिया भाई एलिन को, 1700 नहीं 2600 रुपये ज्यादा दे रहे हैं। हाँ ना चाची, इससे पहले मैंने 5000 पढ़ लिए थे लेकिन बाजी ने फिर वो लिख लिए ना, उसके बाद में जीरो करके दोबारा। सही, अच्छी बात है बेटा, तस्वीर पढ़ा करो। अकेले अकेले गया? ये देखो, ये किसका पंखा है लीसा? मिया है, मिया आपके पास साइकिल नहीं है? नहीं। और ये देखो इसके बाल ही बड़े नहीं हो रहे, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके बालों को रोज पकड़ के ना ऐसे खींचा करो ऐसे आ जाएंगे। ये नाक में उंगली डाल ली, फिर मुंह में डाल ली। आपके सर में दाने थे? हैं आप बड़ी हो गई बेटा, ये देखो, ये पकड़ो, ये कितनी सी थी ना, ये निर्मा, इसको मैं ऐसे चलाता था, ऐसे चलाता था, फिर ऐसे चलाता था, इसमें मैं अभी इसको चलाओ, अभी इसको चलाओ, ये आ रहा, इसको भी चलो, चलो चलना सीख रहा है ना चाचा इससे। हाँ अब ताली मार दो, ये ताली, ये एक और मार दो, एक और मार, ये चले भाई, अभी हमने जो ना खाना वाना खाया, बहुत ज़्यादा थक गए, और अब मुझे क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि बच्चे नहीं आते बड़ों के साथ, अभी हम थोड़ा आराम करेंगे, आसान भी आ गए, ओ पार्टी हो रही है भाई, हैं तबीयत सही हो गई, बोला भी खाना पीना फिर से स्टार्ट कर दो, और ये देखो, ओ उतर दो उतर दो उतर दो, हाँ ये देखो कितना प्यारा पंखा है, दिखाओ, खराब हो गया है तो, ये मेरे में इसके ऊपर बैठ गई थी, हैं इसका लॉक टूट गया होगा, इसको खोल के सही करना पड़ेगा, खराब हो गया। चलो भाई मिलते हैं अब आप लोगों से एक साल बाद। रात को हम लोगों ने किया आराम सही से और फिर सुबह हमारी हुई, नाश्ता वाश्ता किया, अभी हम लोग जा रहे हैं सदर की तरफ,
और हमारे बच्चे परेशान है, बोला चाचू तो घर में रह ही नहीं रहे, पता नहीं बार बार भाग रहे हैं। अभी बोले ये क्या है, अभी फिर अभी भी हम बाहर गए थे फिर वापिस है, हमारे जो दोस्त है वो चेंज करने गए, और सिराज जो है ना रो रहा है, पता नहीं क्यों रो रहा है, क्यों रो रहे हो हैं? इसने भाई मेरे भाई को देख लिया, अपने चाचू को देख लिया, और ये जिद कर रहा है मेरे को लेके जाओ, तो जाना है। चलो मैं गेट खोल रहा, गेट खोल, चलो 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 चलो, ये देखो कैसे रो रहा है भाई, जाओ जाओ, सिराज जा रहा है चक्कर खाने के लिए। तो भाई हमारे दोस्त अभी रेडी हो रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे बाहर। हम लोग इस वक्त मौजूद है कराची की स्पेशल डिश जो है वो खाने के लिए। आपको पता है कराची के अंदर कोई आलू पापड़ और ये तिल्ली ना खाए तो फिर मजा ही नहीं आया ना, वो कहते ना जिया ही नहीं, जिया ही नहीं, जिया ही नहीं, तिल्ली नहीं खाई तो जिया ही नहीं। हाँ जिया ही नहीं। ये हमारे बिलाल भाई खा रहे हैं तिल्ली और फैजान भाई इनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सर कैसी है तिल्ली? जबरदस्त है, ये लोग खा चुके हैं, अभी मेरी बारी है। हैं तो अभी 17 खाई फैजान ने, भाई मैं भी ये खाता हूँ। मसाला देखें, ओए होए होए क्या मसाला है भाई, गिनती कर रहे हो ना, एक भी ऊपर हुई तो मसला बन जाएगा भाई। मैंने खाई है 5 और ये मैं खा रहा हूँ। आप मेरे भी ज्यादा खा के कम बताते हो भाई, 12 नंबर, इसलिए बर्बाद हो गया। ओ हां मैं तो चला गया, उसके बाद वो रहा ही नहीं। बड़ा मजेदार भाई का है भाई, 12 ओ भाई 12 का ही आपने बस। अभी तो तिल्ली खा ली है, पानी वानी पियेंगे फिर हम लोग। अभी आगे हमको जाना है दुमची लेने के लिए। दुमची कहाँ से मिलेगी वेदांत? दुकान है शिकार हो चुके हैं हम, सैलाबी सूरत हाल का शिकार हो चुके हैं, लिहाजा स्लो स्लो जा रहे हैं, देखते हैं अल्लाह मालिक है ये देखे क्या होता है। यहाँ पर बड़ी का बहुत बुरा हाल है। बस बिलाल सर मुझे लग रहा है कि हमारी गाड़ी का साइलेंसर पानी के अंदर डूब चुका है। ये देखे भाई अभी आपको डर लग रहा है, पानी सामने रोड पे भी पानी है, ऐसा ना हो कि हमें धक्का लगा के जाना पड़े। अल्लाह का नाम लेते हैं, खैर इंशाल्लाह ताला उम्मीद है। अच्छा वैसे मेरी गाड़ी में हॉस पाइप लगा हुआ है, अगर नहीं रखा हुआ है, लगा हुआ नहीं है, हम चाहते तो पहले वो लगा के यहाँ से स्नॉर्कलिंग कर सकते थे। मसला नहीं है, गाड़ी बंद हुई, थोड़ा सा रह गया भाई। और ये हम फाइनली बाहर आ गए और हम लड़ रहे हैं मूसा कॉलोनी, और हमें लेनी है दुमची। ये अभी मैंने टर्बो इसका ऑन कर दिया है। हम लोग जा रहे थे वो मुर्गी की दुमचियाँ होती है वो लेने के लिए, हमारे बिलाल भाई को बहुत पसंद है, हमने सवाद पे खाई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो अभी हम लोग आए हैं गोल मार्केट, जैसे वो मिलती मूसा कॉलोनी में तो गोल मार्केट की मार्केट में तलाश करते हैं, आई होप के मिल जाए। दुमची लेने हम लोग आए थे, दुमची तो नहीं मिली, ये दिखाओ भाई, ये हमको मिले हैं अंगूर, और बड़े मज़ेदार अंगूर है। अभी हम जा रहे हैं कहीं और हैं, हाँ ना चले भाई, बड़ा मुश्किल हो गया कराची में दुमची मिलना। हम लेने आए थे दुमची, तो फाइनली हमें दुमचियाँ मिल गई है, ये नहीं सारी दुमची है इनसे पूछो तो कहाँ मिलेगी कैमरा बंद करता हूँ, फिर उसके बाद सोचता हूँ आपको कौन सी ली वनीला मेरे लिए भी यही लगवा दे मिक्स के लिए, पता नहीं हम क्या करेंगे, चले आइसक्रीम खाते हैं दुमची के, हमारे दुम निकलेंगे। हाँ और चाचू लोग वापस जा रहे हैं, कहाँ गए थे वैसे आप लोग? पूरा कराची घूम के आए और अभी जा कर रहे हो? खाना खाने चाचू आप ही थे ना साथ? मेरा तो हाल बुरा हो गया घूम घूम के, और मुझे कोई घुमा नहीं रहा है, इनका घूम घूम के हाल बुरा हो गया, मुझे कोई घुमाने भी नहीं है, ना जुनेद चाचू ना कोई और, अकेले अकेले घूम के आ गए ना। इतना घूमे है ना, पिछली पुलिस वाले भी हमको पहचान गए है ना। हाँ? बोले लाइक कर दो, बोले सब्सक्राइब भी कर दो। कौन दादी बुला रही है आपको? तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, प्यार कर दो।
से हम लोग आ गए अभी खाना खाने के लिए और थकान बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। सारे यहाँ पर बैठे हैं, ऑर्डर दे दिया है। हाँ भाई, हाँ थकान वकान हो रही है? नहीं, हम तो थक गए बहुत ज़्यादा। नहीं, मैं तो नहीं थका, अभी ठीक हूँ। हाँ, ये पहाड़ी बंदा है ना भाई, पहाड़ के लोग थकते नहीं है ना, कराची वाले थक जाते हैं। तो खाने का ऑर्डर दिया है, खाना वाना आएगा फिर यहाँ से खाना वाना खाएंगे। बच्चे भी हमारे बहुत ज़्यादा परेशान है, बोला यार ये घर में ही फाइनली इंतज़ार के बाद खाना हमारा आ चुका है। खाने में हमारे पास है टिक्का, फ्राइड कढ़ाई, कबाब है, मगज है, भुजिया भी कढ़ाई हो रही है। और फैजान भाई, शम्स भाई और हमारे बिलाल भाई, हम खा रहे हैं खाना, फटाफट खाएंगे खाना, फिर हम जाएंगे घर, सो जाएंगे और दो दिन बाद उठेंगे। सही है ना है फैजान? दो दिन बाद फाइनली हमारे फैजान भाई ने हमें ढूंढ के ला के दे दी है दुमची। और ये बिल्ली भी आई है अंदर, काली बिल्ली, भगाओ भाई। इसके अंदर जो है ना, ये अभी मसाला वसाला लगा दिया बिलाल भाई ने, अभी हम थोड़ी देर में बारबेक्यू करेंगे। मुझे फ़ोन आ रहा है दोस्त का, तो उससे पहले मैं बात करता हूँ, फिर हम पकाते हुए मिलते हैं। अच्छा ठीक है भाई, बारबेक्यू का प्रोग्राम हो गया शुरू हमारा, और हमने सारा सेटअप लगा लिया है। आज़म भाई भी अगर कभी व्लॉग देखेंगे तो वो उनको पता चलेगा हमने सेटअप बना लिया। तो बन गया, अभी मसाला वसाला भी हमने लगा के रख दिया है। आज गली के अंदर हमारी धुआं धुआं होने वाला है, कोयले पकाएंगे फिर उसके बाद हम खाएंगे। कोयले भी सही पकना शुरू हो गए, कटक कटी की आवाज़ें आ रही हैं। बाउल रखा हुआ है, बाउल और चम्मच वगैरह ले आओ। हाँ लाता हूँ सामान, बकाया सामान अभी लेने जाना पड़ेगा, बहुत मेहनत की है। और ये दुमची का जो क्रेडिट मिलने का जो क्रेडिट है फैजान भाई को जाता है बड़ी मुश्किल से। भाई वो गंदे का क्या नाम था जिसने कोयले का दुमची लेके आया? वजीर दादा। हाँ वजीर दादा को बाय फैजान बाय। सर मेरे पांव ये आ गया भाई, ये देखो ये पंख ये भी आ गया। अभी अभी शुरू कर दूँ हवा डालना? मैं बर्तन लेके आता हूँ भाई। क्या क्या लाना है बर्तन? क्या क्या लाना है भाई? आसान थैलियां ला, जल्दी दो तीन थैली, जल्दी जल्दी जल्दी। बर्तन क्या क्या लाने है बताओ यार, ये चीजें औरतों से पूछो। पानी इधर से बना लो। एक बाउल वो क्या है? दही। दही रखा हुआ अंदर, चलो लेके वो बाकी फिर बाद में कर लेना। कोयले जलने में इतना टाइम लग रहा था, ये हेयर ड्रायर से ना कोयले पका रहे हैं। आवाज सुने भाई, एक्सपीरियंस होल्डर है। और ये बच्चों की आज मैंने पाबंदी लगाई है, यहाँ से बाहर नहीं आएंगे बिल्कुल भी। यहाँ तार है, यहाँ से दूर हो जाओ। अरे यार टीके बढ़ते हैं यार, टीके कैसे बढ़नी है मुझे बता दो। भाई ये ड्रायर से ना कोयले थोड़े बहुत पक गए हैं, ये इनको एक्सपीरियंस है ना, ये असल में माउंटेन्स वगैरह के ऊपर ट्रिप लगाते रहते हैं तो वहाँ बारबेक्यू करते हैं। तो अभी हमारे कोयले हो गए तैयार, कैसे बाहर आ गए? अंदर जाओ, अंदर चलो शाबाश, अंदर इसलिए जाओ ये कोयले है ना, ये आपको लग सकते हैं पता है, ये फटते हैं ऐसे। अंदर अंदर ठंडा कोयला, ये देखो रख दूँ वहाँ, हाथ काले हो जाएंगे, हाथ काले हो जाएंगे हाथ। भैया हैप्पी काम में लगे हैं, अपने काम में लगे हैं, पक गए भाई, अब इसको रख दे, ले जाऊँ सब समेट के अंदर। अबे क्या है तुम्हें जल्दी यार है? अब ये सेम वही वाली बनाने जो आपने कलाम में खाई थी। हाँ वही वाली है, हाँ रिपेयर करा रहा हूँ। हाँ। नहीं वहाँ से जालियों में से दिखता है, जालियाँ दादू ने इसलिए लगाई थी कि बच्चे घर से बाहर नहीं आए और जालियों में से देखे सारे नजारे। चाचू आपने फ्री सीख बोटी के लिए खड़ा करा हुआ है, वो देखो देखे। सीख बोटी है चार, एक दो तीन चार, वो नहीं करी उनको, देखो हमको थोड़ी उनको खानी वानी नहीं है ये, ऐसे इनको बाहर आना है लेकिन बाहर नहीं आने दूंगा मैं। और कितना पकेंगे भाई, ये देखो पेड़ बढ़ गए भाई, इसमें तो टाइम लगेगा।
अभी ये मैं चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट पक जाए ना, पाते वक्त मिले आप लोगों से। कोयले हमारे रेडी हो गए अभी यहाँ पर। ये दो बोटियाँ क्यों लगा रहे हैं? चेक करता है, रास्ता चेक करता है। अच्छा, कितनी आएंगी इस पे? ठीक है, शम्स को जो है ना बेसब्री से इंतजार है। बोला यार ये क्या चीज है जिसके पीछे पूरा कराची ये लोग घूमे और मिल रही नहीं थी, अब मिल गई है। तो इसमें शम्स की बहुत ज्यादा मेहनत है। हाँ, और बस जल्दी जल्दी पके और जल्दी जल्दी खाएं। दुमची टुडे वी आर गोइंग टू ईट, पश्तो में बताएं। अच्छा, ये वाला नाम मुझे नहीं पता और इसको प्रोनंसिएट करना जो है ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो भाई फाइनली एक सीट अल्हम्दुलिल्लाह रख दिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और ये हमारे पास ये आज एक्सपेरिमेंट के लिए, यानी कि हम थोड़ी सी मंगाई है, पहले टेस्ट करेंगे दूसरे कज़न भी। अगर ये हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया ना तो फिर कल जो है ना दोबारा से हम ये बनाएंगे। भाई बोटियां लगा दिए साथ में, घर वालों ने चाय भी बना के भेजी, स्पेशल प्योर मिल्क दूध पत्ती। यानी कि फैजान भाई को हमने बुलाया, फैजान जल्दी आया, चाय खत्म हो जाएगी और ठंडी भी हो जाएगी। हाँ, ये बच्चे भी बाहर आ गए और ये मिर्हा भी आई हुई है। अरे हाय बोल दो हमारे सब्सक्राइबर को। हाय, देखो कितनी क्यूट बच्ची है ना भाई। और ये बाहर ये मुझे ना तंग करने के लिए है। यहाँ पे 50 मिनट का व्लॉग बन जाएगा अगर मैं इस तरह आप लोगों की वीडियो बनाता रहूंगा। फैजान भाई चाय उठा लो। वाह, जबरदस्त। कोयले पे नहीं है। तो भाई मैं भी चाय पीऊँगा अभी, तो फिर चाय पीने के बाद हम करेंगे टेस्ट। दुमचिया हमारी हो गई रेडी और हमने टेस्ट तो कर लिया, बड़ा बेहतरीन जायका। क्या है ना, मेहनत वसूल हो गई, मेहनत वसूल हो गई। मज़ेदार है भाई, मज़ा आ रहा है। और भी रख दिए पकाने के लिए। ठीक है, बिलाल साहब ने हाथ धो लिए। अभी क्या कर रहे हो? अभी मैंने चटनी बनानी भाई। चटनी बनानी है और ये धनिया पुदीना और जीरा शीरा इसके अंदर मिक्स है, दही भी ला के रखा हुआ है। हाँ, ये डल रही है इमली, इमली डाल दी है, पानी भी डल गया इसमें। भाई ये चटनी बनाते बनाते आप क्या टेस्टिंग तो करा रहे हो? खिला दो, खिला दो। कराची में परेशान हो गया था, जुनैद भाई को कैसे दुमची खिलाएं, लेकिन फैजान भाई ने जो मेहनत की है। पैर पकड़ो, पैर पकड़ो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलो यार हमारे मेहमान थे, हमारी तरफ से आपके लिए एक दुमची। खुश हो ना, मिल गई ना रात को। भाई चटनी बना रहे हैं ये, अभी इसमें दही डालते हैं। बस बस बस, सारा नहीं डालो, ये सारा नहीं डालना, सबर करना मेरे तो दिवस से। ये दही डाल दिया, अभी ये भी रख दिया भाई। सिरका, सिरका भी लेके, मैं लेके आता हूँ सिरका। सिराज भी आ गया भाई हमें देखने के लिए, चटनियाँ खाते हैं, चटनी टेस्ट करा रहे। कैसी है? मुझे भी कराओ टेस्ट। एकदम खट्टी, मजे की, मजे की, मजे की। वीडियो के बाद बताऊंगा। जबरदस्त, नहीं नहीं अच्छी है यार, अच्छी चटनी, बहुत अच्छी चटनी है, बहुत अच्छी चटनी है। चले भाई, ये हमारी सीख हो गई रेडी, ये थोड़ी सी रहेगी, ये सारी पक जाएंगी ना तो फिर उसके बाद हम खाएंगे भी। और बस यार बहुत हालत बुरी हो गई, इतनी भूख लग रही है पीछे में। हाँ, पराठे भी आ गए, ये पराठे भी आ गए, तो रेडी हो जाएगा फिर हम खाएंगे पराठों के साथ। और चटनी भी रेडी हो गई है भाई, वाह। तो इस वक्त पूरी गली के अंदर धुआं धुआं हो गया, गैर कला की चीज़ें, लेकिन क्या करें, मेहमान आए हैं और इसे हमने जो है ना वो खाना था। कभी भी दही के अंदर दोबारा मुंह वाली चम्मच नहीं डाली, क्या करें, लीची में रखे हमने तो यार स्पॉइल हो जाए। हाँ, बोटियाँ हमारी रेडी हो गई है और अभी ये फैजान भाई की फरमाइश पे बैठा हुआ है भाई। हाँ, ये ग्रीन टी के लिए जो है ना वो, अबे क्या हो गया, पानी उबाल रहे। हाँ ना, ये अगर बुझे ना नीचे से, चले भाई। फाइनली हमारी बोटियाँ रेडी हो गई हैं और अभी खाने की तैयारी है, पराठे भी हैं, चटनी भी रेडी हो गई है। बड़ा मुश्किल से गली में बारबेक्यू किया और एलिफ ने इंतजार किया एंड तक, एलिफ भी हमारे साथ खाएगी खाना। तो खाते हैं फटाफट से खाना और फिर इस वीडियो को हम करते हैं। खाना हमने खा लिया भाई,
और बड़ी बेहतरीन बोटियाँ बनी थी। अब उसके बाद है ग्रीन टी, और फैजान भाई ने इसमें इलायचियाँ डाल दी थी, कोयले में पकी हुई ग्रीन टी हम लोग पियेंगे, क्योंकि अभी हमने खाई है दुमची, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट होते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी होता है, इस वजह से इसके ऊपर ग्रीन टी पीना वाजिब हो गया। तो खैर, पानी गर्म हो गया जी? जी पानी गर्म, बहुत गर्म हो गया पानी। अभी इसमें जो है वो सैचेट डाल रहे हैं, उसके बाद हम पियेंगे ग्रीन टी। चलो स्टार्ट। हाँ भाई, ग्रीन टी का सीन हो गया रेडी।